हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक खाली मिठाई के बॉक्स से पेंटिंग का बोर्ड कैसे तैयार करें इसका आइडिया बताती हूँ। देखो, एक खाली मिठाई का बॉक्स है, इसको हम कटर से चारों ओर की बॉर्डरें निकाल देंगे। देखो, ऐसे ऐसे काट के चारों तरफ की ये जो बॉर्डर है हम निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे पूरी तरह से अलग कर देंगे काट के। देखो, ये प्लास्टिक जैसा ही लेयर है उसको हम निकाल देंगे ताकि वो नीचे का कार्टून पे फेविकोल या गम अच्छे से लग सके। देखो, बहुत चिपका हुआ सा है। देखो, इसे निकाल देंगे। देखो, ये पूरी तरह से निकल गया। अब ये इस तरफ इतना प्लास्टिक जैसा नहीं है। देखो, इस तरफ अगर अच्छे से नहीं निकलेगा तो चलेगा। देखो, ये निकल गया थोड़ा बहुत। लगता है ये पूरा नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। देखो, ये निकलता नहीं है पूरी तरह से। अगर नहीं निकलेगा तो भी चलेगा, हम इसमें भी फेविकोल या गम लगा सकते हैं। ऐसा ही है। देखो, अब ये कार्टून के हिसाब से हम फैब्रिक को नाप लेंगे। इससे थोड़ा बड़ा फैब्रिक रखना है।
चारों ओर से ये पुरानी कुर्ती का फैब्रिक है। देखो ये फेविकोल का घोल है। फेविकोल में थोड़ा पानी डाल के ऐसा पतला किया है। अब इसे ब्रश से लगा देते हैं। पूरा का पूरा कार्टून पे लगा देंगे हम। इसके ऊपर ऐसे ही फैब्रिक को रख देते हैं। देखो इसमें रिंकल ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। अब पीछे के बॉर्डर में फेविकोल का घोल लगाएंगे। देखो कॉर्नर का हिस्सा का काट देते हैं। देखो ऐसे ऐसे हम बाहर का फैब्रिक पीछे लगा देंगे।
देखो ये बोर्ड कंप्लीट हो गया। अभी पीछे हमने स्टैंड लगाना है। देखो स्टैंड ऐसे भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। देखो ये गन मैंने गरम करने के लिए रखी थी। ये गन से हम स्टैंड चिपका देंगे। देखो ये गन लगा के हम स्टैंड चिपका देंगे। बस हो गया हमारा बोर्ड तैयार। देखो हो गया हमारा बोर्ड तैयार पेंटिंग के लिए। अब हम इसके ऊपर कोई भी कैनवास पेंटिंग कर सकते हैं। ऑयल करते हैं या चाहे एक्रेलिक करें, कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। देखो ये फ्री में, कोई भी ज़्यादा खर्चा बगैर ही ये घर में ही ऐसे ही बोर्ड तैयार हो गया पेंटिंग के लिए। आप भी ऐसे घर में तैयार कर सकते हैं।